हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आप लोग कैसे हो, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम इस समय आ चुके हैं मूलगंध कुटी, देख सकते हो सारनाथ में। तो यहाँ बुद्ध का कुछ जीवन लीलाएं के बारे में वर्णन किया गया है, उसको आप फुल व्यू हम दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हो, ये वही स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने जीवन में सबसे प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में मूलगंध कुटी में दिया था, इसी वट वृक्ष के नीचे। देख सकते हो अभी भी उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है प्रथम उपदेश देते हुए, और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। तो चलो हम आपको इसके चारों तरफ का नज़ारा आप लोगों को एक्सप्लोर कराते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये रिंग जो देख रहे हो, ये कैसे घूम रही है तो हमको भी नहीं पता है। इसमें जो लिखा गया है शायद हमको किसी के माध्यम से पता चला, इसके अंदर जो लिखावट है वो मंत्रों की लिखावट है, ये मंत्र हैं। और देख सकते हो इसका लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं इसको नचाने में। तो हम भी अभी देखते हैं इसका व्यू कैसा आ रहा है, देख सकते हो बहुत अच्छे व्यू। और इसी वट वृक्ष के साइड साइड में देख सकते हो अनेकों रूप में महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियां बनाई गई हैं। देख सकते हो एक लाइन से क्रमानुसार एक करके एक अनेकों सी मूर्तियाँ बनाई गई इस चारों तरफ, और ये चारों तरफ ही ये जो है ये नाचने वाला इसको भी बनाया गया है। अब किस लिए बनाया जाता है तो हमको भी नहीं पता। और महात्मा बुद्ध की जहाँ जहाँ आप मूर्तियाँ और उनका स्थान पाओगे, ऐसा देखने को नज़ारा आप लोगों को कुल मिल जाएगा। इसी तरह के अनेक प्रकार की जगहों को हम एक्सप्लोर करते हैं। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, व चैनल पर जो भी नए हो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों को ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो हम देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। हमने देख सकते हो ये भी एक मंदिर है, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का भी। ये भाई मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है, बस नचाने में मज़ा आ रहा है, बस यही जानते हैं इसको। बहुत है, देखो चारों तरफ तो आपको देखने को मिल जाएंगे नचाने में। देखो कितना अच्छा नज़ारा है इसका, कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हमने इस जगह को भी कवर कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर जो भी नए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। तो फाइनली हमने बुद्ध टेम्पल के मंदिर के अंदर एंट्री कर दिया है। देखो हमारे पीछे बुद्ध टेम्पल का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो चलो अब चलते हैं हम इसके अंदर, और इसके अंदर देखते हैं क्या से क्या चीज़ें हैं, किसकी मूर्ति है। वैसे तो यहाँ पर बुद्ध टेम्पल है तो बुद्ध ही भगवान की मूर्ति होगी। तो चलो चलते हैं इस मंदिर के अंदर, करते हैं बुद्ध भगवान का दर्शन और आपको दिखाते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और देखो तो हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो इस मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलेगी महात्मा बुद्ध जी की ये मूर्ति, और इसी के जस्ट बगल में पुजारी जी बैठे हुए हैं, कुछ बुक वुक पढ़ रहे हैं अपना। और इस मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही इस मंदिर के अंदर का ये नियम है कि यहाँ पर आप लोग एकदम शांतिपूर्वक रहिए और शांतिपूर्वक दर्शन कीजिए। आप लोग देख सकते हो कृपया शांत रहिए, प्लीज़ कीप साइलेंट। यहाँ पर एक वो स्टम्प भी लगा, और ऊपर का नज़ारा जो देख सकते हो कितना खूबसूरत बना हुआ इस मंदिर के अंदर। और इसी के जस्ट बगल में आप लोगों को पुस्तक भी मिल जाएगी महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में, या उनकी और जो रचनाएं हैं उन सब की आप लोगों को इस साइड में लगी हुई है बुक स्टॉल। तो यहाँ से आप लोग बुक भी ले सकते हो, देख सकते हो अनेकों प्रकार की हैं, सब बुद्ध भगवान के रिलेटेड बुकें हैं जो भी हैं ये सारी। और साथ साथ में ये देखो यहाँ पर मालाएं भी हैं। आप लोग यदि इस मंदिर के अंदर आते हैं तो बुक लेना चाहे बुक, और माला लेना चाहे माला। और ये देख सकते हो कोई विदेशी है ये, जो कि अभी ये ध्यान लगाए हुए है महात्मा बुद्ध जी का, कितनी शांतिपूर्वक से वो मौन है। तो चलो अब मंदिर के बाहर चलते हैं, देखते हैं। और देखो ये हमारे तीन फ्रेंड है भाई, सेल्फी पिक करा रहे हैं। क्यों सेल्फी पिक कराने में खूब मज़ा आ रहा है। ये देखो पीछे हमारे लगा हुआ है बुद्ध टेम्पल, कितना सुंदर नज़ारा है। और मौसम तो देखो भाई क्या रंगदार मौसम है यहाँ का,